बैक टू माई यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी ए जी सिक्स सेमेस्टर को लेकर, जो हमारा आज का एग्जाम पेपर हुआ है, जो कि हमारा एक इलेक्टिव कोर्स के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इलेक्टिव कोर्स का एग्जाम पेपर था कंपोजिशन कम डेट एंड क्वेल रैबिट कल्चर के बारे में दोस्तों, फुल सोल्यूशन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। दोस्तों आज का पेपर ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, थोड़ा सा आसान ही था, इसलिए सोल्यूशन आपका भी जल्दी हो गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन है साइप्रिनस कार्पियो पियो शब्द उपयोग होता है किसके लिए होता है। दोस्तों ये कॉमन कार्प के होते होता है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन फर्स्ट का। नेक्स्ट होगा नर बतख को कहते हैं दोस्तों, तो नर बतख को कहा जाता है ड्रेक, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर टू का। नेक्स्ट है वयस्क बतख को क्या कहते हैं, वयस्क बतख को कहते हैं गाइस डकलिंग, ऑप्शन हमारा सी होगा क्वेश्चन नंबर तीन का। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है हमारा 21 नवंबर को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि IBRI की स्थापना कब हुई, ये हुई गाइस 1889 में, ऑप्शन हमारा ए होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। नेक्स्ट है कि विश्व युद्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। नेक्स्ट है पश्मीना प्राप्त होती है दोस्तों, पश्मीना प्राप्त होती है चेंगू नामक बकरी से, तो ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का। नेक्स्ट है मादा खरगोश को कहते हैं, मादा खरगोश को डो कहते हैं, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर एट का। नेक्स्ट अंगोरा खरगोश की उत्पत्ति स्थान है, तो दोस्तों यह है यूरोप, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। कि कतला कतला संबंधित है किससे है, ये हमारा मछली से संबंधित है, ऑप्शन डी होगा टेन का। नेक्स्ट है कि मछली के मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है 13 से 20%, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट है सोवियत चिंचिला नस्ल है किसकी है, ये दोस्तों है रैबिट की, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट दिया गया है बटेर के बच्चे को क्या कहते हैं, बटेर के बच्चे को चिक कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत किसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वो लगाया बटेर के, ऑप्शन सी होगा कुछ 14 का। 15 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी मछली उप उत्पाद है, तो दोस्तों ये सभी के मछली के उप उत्पाद हैं, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, कहाँ स्थित है, ये हमारा लखनऊ में स्थित है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दी एबव होगा, तो ऑप्शन डी होगा इसमें, जो करेक्ट आंसर इसका लखनऊ था गाइस। नेक्स्ट दिया गया किस राज्य में मछली की खपत सबसे अधिक होती है, तो लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बैक डाउन नस्ल है किसकी है, बैक डाउन दोस्तों खरगोश की नस्ल है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि बसा में घुलनशील वर्णक कौन सा है, ऑल ऑफ एबव यानी जंतोफिल कैरोटीन और क्लोरोफिल, तो ऑप्शन सी ये डी होगा हमारा ऑल ऑफ एबव करेक्ट राइट होगा। 20 नंबर है कि मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली खरगोश की नस्ल को क्या कहते हैं, तो उसमें उसे कहते हैं ब्रायलर खरगोश, तो ऑप्शन सी होगा। 20 का नेक्स्ट दिया गया 21 इनमें से किसका रोग निरोधक टीका नहीं करना होता है, तो दोस्तों करना होता है बटेर में, नहीं करना होता है, ऑप्शन डी होगा। 21 का नेक्स्ट दिया गया है कि तालाब संवर्धन प्राणियों में कौन सी मछलियाँ चुनी जाती हैं, तो दोस्तों कैटल कैटल रोहू मरगला और कामन कार्प, तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट दिया गया है कि बटेर का जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट है कि बतख का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, ये होता है 10 बरस, तो ऑप्शन बी होगा 24 का। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली है, तो दोस्तों हिल्सा हमारा ऑप्शन सी होगा 25 का। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्देशीय मछली उत्पादन के लिए प्रथम है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए होगा 26 का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय मछली है, तो वो है हमारी डॉल्फिन, ऑप्शन हमारा जो है सी राइट होगा यहाँ पर 27 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री मछली का प्रमुख उत्पादक है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ राइट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही मछली है, तो दोस्तों वो है डॉग फिश, ऑप्शन हमारा डी राइट होगा 29 का। नेक्स्ट है 30 केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों इज्जत नगर बरेली, ऑप्शन बी होगा 30 का। नेक्स्ट है 31 नीली क्रांति संबंधित है हमारी मछली पालन से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट दिया गया है बटेर पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों कटर्निस ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 32 का। नेक्स्ट है 33 क्रोपोगैफी है दोस्तों, क्रोपोगैफी मतलब जो पशु अपना मल खा लेते हैं उन्हें क्रोपोगैफी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सी खरगोश राइट होगा, जो ऑप्शन सी होगा 33 का। नेक्स्ट है 34 बतख का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों होता है अनस प्लेटिस हिलिकनस, जो है कि ऑप्शन ए होगा डोमेस्टिकस, जो करेक्ट आंसर है हमारा ए 34 का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड स्थित है, ये हमारा कहाँ, ये हैदराबाद में है, तो ऑप्शन सी होगा 35 का। नेक्स्ट है बक शब्द किसके लिए उपयोग होता है दोस्तों, ये यंग रैबिट के लिए, तो ऑप्शन सी होगा 36 का। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड व्हाइट एक नस्ल है किसकी है, ये हमारी बतख की है, ऑप्शन ए होगा 37 का। नेक्स्ट दिया गया है कि खरगोश की गर्भावस्था होती है, तो दोस्तों 28 से 30 दिन होती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट दिया गया है किस राज्य में मछली का
सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों वो होता है आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन सी होगा 39 का। नहीं दिया गया है कि आर्थिनोलॉजी संबंधित है, तो दोस्तों आर्थिनोलॉजी पक्षियों से संबंधित होती है यानी कि पक्षियों का विज्ञान, तो ऑप्शन हमारा सी होगा कोयल से। नेक्स्ट दिया गया है कि बटेर के मांस को कहते हैं, तो बटर कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी होगा 41 का। नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन सा है, तो दोस्तों होगा चीन, चीन जो है हमारा राइट होगा 42 का। नेक्स्ट दिया खरगोश है, खरगोश हहमारा शाकाहारी होता है, ऑप्शन ए होगा 43 का। नेक्स्ट है खरगोश का वैज्ञानिक नाम, दोस्तों अर्बिटो गैलिस गिलस कुनी कुलस, तो ऑप्शन हमारा बी होगा 44 का। नेक्स्ट दिया गया है कीटन शब्द किसके लिए उपयोग होता है, तो दोस्तों जवान खरगोश है, तो ऑप्शन सी होगा 45 का। नेक्स्ट है 46 बतख है, बतख हमारा सर्वाहारी होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट दिया मादा खरगोश के बच्चे को देने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फैरोइंग, ऑप्शन डी होगा 47 का। नेक्स्ट है बटेर के शरीर का तापमान कितना होता है, तो दोस्तों शरीर का जो टेम्परेचर होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी होगा 48 का। नेक्स्ट है पृथ्वी कल्चर का अर्थ है दोस्तों मछली का प्रजनन, तो ऑप्शन सी होगा 49 का। नेक्स्ट दिया गया है कि एगमार्क की स्थापना कब हुई, दोस्तों एगमार्क की स्थापना 1937 में हुई, ऑप्शन बी होगा 50 का। नेक्स्ट दिया IGFR स्थित है, दोस्तों ये हमारा झांसी में है, ऑप्शन ए होगा 51 का। नेक्स्ट है विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो दोस्तों भारत में, ऑप्शन बी होगा 52 का। नहीं दिया गया श्वेत क्रांति संबंधित है, ये हमारी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन हमारा मिल्क प्रोडक्शन, तो सी हमारा राइट है 53 का। नेक्स्ट है 54 दिया गया है CSWRI कहाँ स्थित है, ये हमारा राजस्थान में है। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, दिया ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया, दोस्तों विलियम गार्ड ने दिया था, ऑप्शन सी होगा 55 का। नेक्स्ट दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसी गरीब की गाय या गरीब की कामधेनु कहते हैं, तो बकरी को कहते हैं, ऑप्शन सी होगा 56 का। निया ने दिया गया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट को कहाँ है, तो दोस्तों आनंद गुजरात में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट दिया गया है फर शब्द की फर किसे कहते हैं, तो खरगोश की ऊन को फर कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा 58 का। नेक्स्ट दिया गया है रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है लेगो रोहिटा, ऑप्शन हमारा सी होगा 59 का। नहीं दिया बटेर है, बटेर कैसा है, दोस्तों बटेर हमारा सर्वाहारी ओमनिवोरस होता है, ऑप्शन सी होगा 60 का। गाइस अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।